ये आफ्टर इफेक्ट की आपकी सेकंड क्लास होने वाली है और इसी में आप सीखने वाले कुछ एडवांस लेवल की एडिटिंग, ये बिगनर्स और एडवांस दोनों के लिए है। तो इसका नाम है लोगो रिवील एनिमेशन। मैं आपको एक बार फुटेज दिखा लेता हूँ कि आप क्या सीखने वाले हो आगे। तो एक बात और, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। इसका उससे क्या लेना देना है? वो एक प्लगइन है रेड जायंट का, ट्रैप कोड पर्टिकुलर। इससे ही हम आगे की एनिमेशंस वगैरह क्रिएट करेंगे, पार्टिकल्स वगैरह। आगे देखना वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि हम मैंने क्यों डाउनलोड करा आपको ये प्लगइन, इसका ये। और हाँ, तो ये क्रैक वर्जन है, तो प्लीज बताना मत किसी को। ये अडोबी कंपनी वाले देख तो नहीं रहे ना मुझे? कौन है ये कार्टून? डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा रेयर फाइल का, उसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। बस कोई कुछ बोले ना यार, इग्नोर कर, इग्नोर कर, छोड़ यार उसको, कुछ बोलते रहता है वो। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप किसी लोगो को एनिमेट कर सकते हो, उसमें पार्टिकल्स फेक डाल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं तो 3D लोगो। तो इस वीडियो को पूरा देखने ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो भी था वो बस कर देना आप लोग, ठीक है? देर हम सूरज फ्रॉम रेवाड़िया टेक्स। तो अब चलो स्टार्ट कर दे। फर्स्टली आपको अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है और यहाँ मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपने एक न्यू कॉम्पिटिशन फ्रॉम क्लिकिंग दिस आइकन, एंड इसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे लोगो। हाइट एंड विड्थ रखनी है आपको 920x1080 और फ्रेम रेट रख लेता हूँ मैं यहाँ पे 60 बिकॉज ऑफ स्मूथ एनिमेशन, एंड ड्यूरेशन में रखता हूँ 10 सेकेंड। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके, फिर राइट क्लिक करके, इंपोर्ट करके मैं यहाँ पे अपनी फाइल वगैरह लेके आ सकता हूँ जो भी मुझे यहाँ पे एनिमेशन देने हैं। जैसे भी, जैसे मैंने यूट्यूब का PNG डाउनलोड कर रखा है, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं इसे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ टाइमलाइन के अंदर। फिलहाल के लिए काफ़ी बड़ा लग रहा है तो मैं एस प्रेस करके स्केल से डाउन कर देता हूँ मैं इसे इतना, ठीक है? देन आपको क्या करना है, एक और न्यू कॉम्पिटिशन बनानी है और इसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे इमेटर। ओके, और लोगो वाले जो कॉम्पिटिशन है उसको नीचे ले आना है ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली, एंड लोगो वाली कॉम्पिटिशन पे ही आपको टिक करके रखना है और यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल टूल बना लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना लिया। फिलहाल अब मैं क्या करता हूँ, मैं F प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें फैदर ओपन हो गया, ये हो गया फैदर। फैदर को रखता हूँ मैं 70%। लोगो आइकन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे M प्रेस करता हूँ तो मार्क्स आ जाता है। बेसिकली क्या करता हूँ, मैं मार्क्स पे यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ, क्लिक करता हूँ और 8 सेकेंड आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे 8 सेकेंड का टाइमलाइन चाहिए अपना। एंड क्या करता हूँ, पिक टूल लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी कोने पे मैं पकड़ के इसे क्या करता हूँ आगे की तरफ ले आता हूँ, एंड ऑफ द पॉइंट, ठीक है? एनिमेशन है और रिवील एनिमेशन कुछ ऐसे टाइप का दिखेगा। अगेन आपको न्यू कॉम्पिटिशन क्रिएट करनी है जिसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे फाइनल। ओके, अब आपको जरूरत पड़ेगी पर्टिकुलर प्लगइन की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड कर लिया सबने? हेलो, डाउनलोड कर लिया सबने? अरे आपसे बोल रहा हूँ, हेलो। अबे तुझसे पूछ रहा हूँ। फिर क्या करना है आपको, दोनों जो हमारे इमेटर और लोगो वाली कॉम्पिटिशन से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसी टाइमलाइन के अंदर। कर दी मैंने, जैसे इमेटर पे क्लिक करके आपको इसको 3D में कन्वर्ट कर देना है फ्रॉम क्लिकिंग दिस आइकन, एंड इसकी आई को आपको हाइड कर देना ताकि ये शो ना हो। अब फाइनली हम पार्टिकल्स को ऐड करते हैं। कैसे करेंगे, न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे सॉलिड लेयर क्रिएट करते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे पार्टिकल्स। ओके एंड ओके, और राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है तो आप विंडो वाले सेशन में जाओगे और यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो उसे। यहाँ पे आपको सर्च करना है पर्टिकुलर, बेसिकली ये नाम है उसका पार्टिकल सेटिंग का पर्टिकुलर, एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने पार्टिकल्स वाली लेयर पे। तो अब मैं कुछ इसकी पोजीशंस, सेटिंग्स वगैरह, पार्टिकल्स के सेटिंग्स वगैरह थोड़ा सा मैनेज वगैरह करूँगा, तो इसको आप सही से देखना बिकॉज यही सेटिंग अगर आप रखोगे तो ही ऐसी वीडियो आपकी बनेगी। तो फर्स्टली क्या करता हूँ, मैं इमेटर वाले सेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं साइज रख लेता हूँ इसका 100 से हटा के 5 लाख, एंड ये इमेटर टाइप को पॉइंट से हटा के मैं रख लेता हूँ लेयर, एंड वेलोसिटी को रख देता हूँ, वेलोसिटी को मैं रख देता हूँ 50 और इमेटर साइज जेड को भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे 50। ओके, ध्यान से देखना, मैं जो जो सेटिंग कर रहा हूँ वही अप्लाई करनी है आपको, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो बट आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो मत ही करना प्लीज़। तो लेयर इमेटर को ओपन करना है आपको और नन की जगह आपको रखना है इमेटर, एंड सोर्स में रखना है आपको इफेक्ट्स एंड मार्क्स। देन हमारी इमेटर की सेटिंग हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में जाते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पे क्लिक करते हैं। लाइफ सेकंड रखनी है आपको 1.5
एंड फैदर को रखना है बिल्कुल ही जीरो, एंड साइज को रखना है आपको 6, साइज रैंडम को रखना है 100, ओके। एंड फाइनली क्या करना है आपको, साइज ओवर लाइफ को एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे आपको प्रीसेट मिलेगा राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे क्लिक करके आपको सेकंड वाला प्रीसेट यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको ओपेसिटी रैंडम का, इसको आपको कुछ नहीं करना, ओपेसिटी ओवर लाइफ को आपको एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे प्रीसेट में आपको सबसे लास्ट वाला जो प्रीसेट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। पे भी आपकी पार्टिकल्स वाली सेटिंग्स हो गई कंप्लीट, एंड शेडिंग वाले ऑप्शंस पे जाते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ शेडो लाइट मेन को यहाँ पे ऑन कर देना है। एंड आपको फिजिक्स वाली सेटिंग्स में जाना है, फिजिक्स में एयर मिलेगा, एयर वाली सेटिंग में जाना है, और विंड एक्स को रखना है आपको 100, एंड विंड वाई को रखना है आपको -50, सिंपल। एंड टर्बुलेंट फील्ड होगा नीचे, उसको एक्सपेंड करना है, इफेक्ट पोजीशन को रखना आपको 200, और यहाँ पे होती है आपकी इफेक्ट की जो सेटिंग्स थी सारी वो यहाँ पे होती है खत्म। एक बार मैं चला के देख लेता हूँ कि किस टाइप का हमारा इफेक्ट बना है। तो अब हम एनिमेशन देखें, तो एनिमेशन तो ठीक है, बट ये पीछे से इमेज एक ही जगह स्टेबल क्यों है? अरे ये तो गलत ही हो गया। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। हाँ, इसको ठीक कर सकते हैं, एक इफेक्ट है लीनियर वाइप, हाँ उससे शायद हो जाएगा ठीक, हाँ उससे हो जाएगा ठीक शायद, हाँ पक्का हो जाएगा उससे। मस्त प्लान है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे लीनियर वाइप, लीनियर वाइप का इफेक्ट है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने लोगो वाले पे, पार्टिकल्स भी नहीं करना, इमेटर भी नहीं करना, ओनली किस पे करना है, लोगो पे, क्योंकि लोगो ही हमें यहाँ से रिवील हटाना है। फैदर को मैं रख देता हूँ यहाँ पे मैं 70%, और एंगल वाइप को रख देता हूँ -90, एंड ट्रांजिशन कम्प्लीशन इसको फर्स्ट पे रखना है यहाँ पे, ट्रांजिशन कम्प्लीशन रख देता हूँ मैं यहाँ पे 100, ताकि बिल्कुल शो ना हो, और यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ ऊपर की तरफ सामने, एंड 8 सेकेंड आगे तक जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको बिल्कुल 0, ठीक है। तो अब जो हमारा इफेक्ट है वो कुछ इस टाइप से शो होगा। तो अब हम देखें तो बहुत सही लग रहा है हमारा जो हमने इफेक्ट बनाया है पार्टिकल्स का। तो अभी क्या करते हैं, इसमें हम और इफेक्ट्स डालेंगे, तो इफेक्ट्स भी आप लिख लेना कहीं पे, या फिर वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं डाल देता हूँ इस पर पहले शार्पन, थोड़ा शार्पन हो जाएगी चीज़, शार्पन कर दो, पार्टिकल्स पे डालना है, ठीक है, पार्टिकल्स पे, और इसकी वैल्यू को रखना है यहाँ से 100, ठीक है। एंड देखो शार्पन फट गया ना, देन इसमें ग्लो का इफेक्ट डालना है, ग्लो, और ग्लो को ड्रैग डाउन करना अपने पार्टिकल्स पे, और कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ रेडियस को इसको 20 कर देना, बस कुछ नहीं करना, और इमेटर पे भी ग्लो डाल देना है, ग्लो को उठा के मैं इमेटर पे भी डाल देता हूँ, इसका थ्रेशोल्ड रख लेता हूँ मैं यहाँ पे 100, और इंटेंसिटी रख लेता हूँ ओनली 2, ठीक है, इसका काम भी खत्म। एक इफेक्ट और डालना है ड्रॉप शेडो का, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने पार्टिकल्स लेयर पे। अब इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ड्रॉप शेडो की, इसकी ओपेसिटी रखता हूँ मैं 25, और यहाँ पे डिस्टेंस को रख देता हूँ बिल्कुल 0, और नीचे सॉफ्टनेस होगा उसको रख देता हूँ 100, ठीक है। तो यही हो गया हमारा इफेक्ट्स का जो काम था वो यहाँ पे हो गया फिनिश। तो अब हम अगला जो करेंगे वो हमारा होगा बैकग्राउंड। श्योर ध्यान रहे, आप इतने सारे इफेक्ट इसमें यूज़ कर रहे हो तो आपका पीसी थोड़ा लैग भी हो सकता है, हैंग भी हो सकता है, तो आराम आराम से ही वर्क करें, बार-बार सी में कंट्रोल एस करके आप सेव करते रहिए, ठीक है। तो अब जो इफेक्ट्स है वो काफ़ी सही लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यू बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं फॉर, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे BG, और इसको ऊपर से उठा के बिल्कुल डाउन में ले जाते हैं बिल्कुल नीचे। और हाँ यार, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करा दो यार, मुझे लगा अब तक हो जाएंगे, बट लगता है मुझसे ज़्यादा तुम्हें जल्दी है। नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट में यहाँ पे आपको ग्रेडियंट रैंप का इफेक्ट मिल जाएगा, आप सिंपली रैंप लिख देंगे तो ग्रेडियंट रैंप का आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने BG पे, ये क्या करता है आपको बैकग्राउंड क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर देता है। स्वैप कलर को यहाँ पे क्लिक करेंगे, लीनियर से आप यहाँ पे रेडियल कर देंगे, और ऊपर का जो कलर है स्टार्ट कलर मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ रेड, क्योंकि मैं इसका बना रहा हूँ ऑफिशियली, तो रेड ही लूँगा, रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। एंड आपको रैंप शटर रखना है 100, ओके। तो ये हमारा बैकग्राउंड का काम भी यहाँ पे हो गया फिनिश। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें मतलब नॉर्मली पार्टिकल्स ही हैं तो इसके डस्ट वगैरह तो है नहीं, तो हमें इसको डस्ट भी बनाना है। तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स लेयर पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी से क्या होगा डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर एंटर करके इसको रीनेम करके मैं डस्ट लिख लेता हूँ, ओके। देन इसकी पार्टिकल्स की सेटिंग्स थोड़ी चेंज करता हूँ, इमीटर पे जाता हूँ और इसको 5 लाख से हटा के 10,000 कर लेता हूँ,
10,000 कर लेता हूँ और वेलोसिटी को चेंज करके मैं इसमें करता हूँ कुछ 200 एंड कुछ भी नहीं छेड़ना, बस आपको नीचे आना है टर्बुलेंस फील्ड के अंदर जो आपने इफेक्ट पोजीशन ली थी इसको आप 500 कर देना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स दूर तक शो हों। तो आप देखोगे तो काफ़ी मतलब पार्टिकल्स वगैरह आसपास भी शो हो रहे हैं। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको फाइनल टच देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको अनलॉक कर देते हैं ऊपर वाली लेयर इमीटर को यहाँ से और सबको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। बस बैकग्राउंड लेयर को अनसेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इसको प्री कंपोज कर देना है, जहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे फाइनल टच एंड ओके। देन फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे क्रिएट करनी है, जिसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर ही रखता हूँ, कुछ और नहीं करता मैं इसका। और इसमें एक इफेक्ट यूज़ करना है मुझे, जैसे लेंस ब्लर इफेक्ट, ताकि शुरू में ब्लर आए हमारा कैमरा लेंस ब्लर, हाँ कैमरा लेंस ब्लर। एंड देन एक और इफेक्ट है ट्रांसफॉर्म का, मैं उसको भी अप्लाई कर देता हूँ इसमें ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दोनों इफेक्ट यूज़ कर लिए मैंने, अब जरा सही से देखना जो मैं कर रहा हूँ इसमें। एंड देन क्या करना है आपको, फर्स्ट फ्रेम में ही आना है और यहाँ पे ब्लर रेडियस को आपको की फ्रेम लगा देना है और इसके नीचे आएगा रिपीट एज पिक्सल स्कोप ही आपको टिक करना है। देन और नीचे आओगे तो यहाँ पे स्केल को भी आपको टिक कर देना, ओपेसिटी को सिंपली। देन एडजस्टमेंट लेयर पे आपको यू प्रेस करना है तो आपको सारे के सारे की फ्रेम्स आपको दिख जाएंगी। फर्स्ट में है तो आप रेडियस को इसको चेंज करके आप रेडियस को रख दोगे यहाँ से 20% और स्केल को रख दोगे 150 और ओपेसिटी को रख दोगे समथिंग 50%। एंड क्या करना आपको, एक सेकंड आगे जाना है और यहाँ पर रेडियस को रख देना बिल्कुल 0, स्केल को नहीं छेड़ना आपको, ओपेसिटी को रख देना है बिल्कुल 100% एंड आपको 8 सेकंड आगे जाना है और स्केल को रख देना आपको बिल्कुल 100। देन आपको कुछ नहीं करना, आपका सारा काम हो गया ख़त्म। फिर क्या है, सारे की फ्रेम्स को आपको सेलेक्ट करना है और F9 से आपको ईजी ईज कर देना है और देन ये ऊपर के जो फ्रेम्स है ब्लर रेडियस को इसको आपको थोड़ा सा एनिमेट कर देना है, सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं ले जाता हूँ। ठीक है ओके, काम खत्म इसका। तो यहाँ पर ही आपकी ख़त्म होती है लोगो रिवील एनिमेशन की एडिटिंग इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, या अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की आपकी सेकंड क्लास थी। इतना कुछ एडिटिंग के बाद रिवील द फाइनल रिजल्ट।